नमस्कार, वेलकम टू इशारा मात्रा चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके बुक्स के बारे में, LLB 3 ईयर प्रोग्राम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम LLB 3 ईयर में आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के कौन कौन सब्जेक्ट हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिलेबस पेपर नाउ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट बुक्स आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे कि आपको एक ना एक बुक तो लेनी पड़ेगी, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेयर एक तो आपको लेना ही लेना है, वो उसके अलावा जो बुक्स लेनी है उसके राइटर्स अच्छे कौन से रहेंगे इसके बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको, जो है अगर आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, दोनों के लिए बात करेंगे हम, जो है। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको बुक्स के बारे में। तो आपके सबसे पहले बता दूँ कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर LLB जो है LU का है, सिलेबस इसमें जो है टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, जिसमें एक सॉफ्ट स्किल है आपका। सॉफ्ट स्किल में आपको NCC या योगा में से कोई एक चूज करना रहेगा, तो आप जो है उसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, सॉफ्ट स्किल, NCC या योगा में से। उसके अलावा जो मुख्य 6 सब्जेक्ट हैं जिसका आपको जो है पढ़ना है और उसी पे आपके एग्ज़ाम बेस्ट रहेंगे, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप देखो आपके 6 सब्जेक्ट में 2 मस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, एक एक कर हम बात करेंगे। सबसे देखो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है आपका जो है आगे फर्दर स्टडी में अगर आप LLM करना चाहते हो या जुडिशरी प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी का प्रिपरेशन की सोच रहे हो, तो आपको जो अगर लॉ ऑप्शनल लोगे तो वहाँ पर ये पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, पहला सब्जेक्ट आपका LLB 3 ईयर में जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे हम विधि शास्त्र कहते हैं, और दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ये 2 मुख्य सब्जेक्ट, मतलब एक तरह से इसको बहुत थॉरली आपको पढ़ना पड़ेगा। बाकी जो है आपको अगर थोड़ा बहुत आप जो है अगर कम टाइम भी देते हो तो चल सकता है, लेकिन जो है ये दोनों तो पूरी तरह से आपको जो है कंपल्सरी पढ़ के जो है काफ़ी जो है इस पर कमांड करनी पड़ेगी, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके जो है फर्दर स्टडी में आने के लिए या प्रिपरेशन के लिए भी। तो जो आपके 6 सब्जेक्ट मुख्यतः है वो है, फर्स्ट आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस है, सेकेंड आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, थर्ड आपका जो है फैमिली लॉ है, फोर्थ आपका जो है लॉ ऑफ क्राइम है, फिफ्थ आपका जो है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, और सिक्स्थ जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। तो ये 6 सब्जेक्ट आपके ये हैं। इसमें आपको जो है सबसे पहले हम बात करेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो विधि शास्त्र में देखिए बेसिकली क्या पढ़ना पड़ता है, ओरिजिन ऑफ लॉ क्या है, लॉ कैसे बना था, क्यों लॉ की जरूरत पड़ी है, या फिर जो है लॉ कैसे जो है वर्क करता है जुडिशरी में, ये सारा जो है बेसिकली जो है हिस्ट्री ऑफ लॉ पढ़ा जाता है इसमें जो है। इसमें सॉल्वेंट की थ्योरी, ऑस्टिन की थ्योरी, हॉफील्ड की थ्योरी, या फिर जो है जुडिशरी के लिए कैसे इम्पैक्ट डाल सकता है हिस्टोरिकल स्कूल, लॉज एनालिटिकल स्कूल, किस कौन बताया था, कौन फादर था, या किस क्यों जो है इसकी ज़रूरत पड़ी, ये सारे इसके बारे में डिटेल आपको इसमें पढ़ना रहता है। तो ये आपको जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस में यही आपको पढ़ना है मेनली। तो इसमें आपको जो है देखिए सबसे बेस्ट बुक में मैं बात करूँ तो RW डायस है। डायस की बुक सबसे बेस्ट है ज्यूरिस्प्रूडेंस में, अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है, चाहे आप 5 ईयर में हो या 3 ईयर में हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में अगर ये प्रीफर करोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा। इसके अलावा अगर ये नहीं मिलता है, काफ़ी पुरानी बुक है, लेकिन आप ये अभी हेल्पफुल है ज्यूरिस्प्रूडेंस को पढ़ने में। इसके अलावा जो है अगर इंडियन आईटी की बात करूँ तो NV परांजपे की बुक आप ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। और हिंदी में कोई और देखना चाहते हो तो आप जो है NV परांजपे के अलावा जो है विजय नारायण मणि त्रिपाठी की आती है विधि शास्त्र करके, वो आप ले सकते हो। अगर ये नहीं मिल रहा है आपको जो है तो EBC पब्लिकेशन, ईस्टर्न बुक पब्लिकेशन, जो सबसे बेस्ट जो है लॉ का बुक आता है उसका जो है, तो उसकी जो है VD महाजन्स की जो स्टूडेंट्स है लीगल थ्योरी ले सकते हो, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इंग्लिश में, जो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। तो बुक जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस की अच्छी लेना, क्योंकि एक तो लेनी ही पड़ेगी, बाकी जो है आप लाइब्रेरी से जाके अपना पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट जो आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बेस्ट बुक जो है अभी जो है अवतार सिंह की है, वो तो डेथ कर गए अभी जो है, लेकिन वन ऑफ द लेजेंडरी राइटर थे और बेहतरीन प्रोफेसर से लखनऊ यूनिवर्सिटी के ही थे वो प्रोफेसर, तो अवतार सिंह का बेस्ट बुक आता है। उसके अलावा अगर दूसरा राइटर आप देखना चाहते हो तो मुल्ला की बुक बहुत अच्छी है, आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है मुल्ला की जो भी बुक है आप लोग के लॉ के फील्ड में, लेकिन बहुत अच्छी बुक मानी जाती है मुल्ला की, तो मुल्ला ले सकते हो, अवतार सिंह ले सकते हो, या अगर हिंदी में देख रहे हो तो एस के कपूर की ले सकते हो, संविदा विधि वन ऑफ द बेस्ट बुक है, एस के कपूर भी बहुत बेहतरीन राइटर माने जाते हैं लॉ फील्ड के, तो उनकी बुक आप ले सकते हो। कोई एक बुक तो आप जरूरी लेना, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, बुक से ही पढ़ाई होती है। बैरेट तो आपको लेना ही लेना है, बैरेट को तो साइड में करते हैं, बैरेट मोस्ट कंपलसरी है, लेना ही लेना है। लेकिन हाँ, बैरेट में भी मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ, डिग्लॉट लैंग्वेज में लेना, डिग्लॉट लैंग्वेज दैट मीन कि एक तरफ हिंदी हो और एक तरफ इंग्लिश हो, काफ़ी कुछ वर्ड जो है आपको समझने में आसानी रहेगी। और अगर आप हिंदी बैकग्राउंड, डिग्लॉट लैंग्वेज काफ़ी हेल्पफुल करेगा, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से भी हो तो उसको पढ़ने में आपको जो है इंग्लिश का कैसे क्या लिखा जाता है, लॉ में किस तरह से इंग्लिश यूज किया जाता है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो ये आप जो है डिग्लॉट लैंग्वेज में ही बैरेट लेना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यहाँ पे यूनिवर्सल की ले सकते हो आप जो है डिग्लॉट लैंग्वेज में, या फिर जो है इलाहाबाद एजेंसी की भी आती है, या फिर जो है
कानून प्रकाशक करके आता है, अगर लखनऊ में अमीनाबाद से परचेज नहीं करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको जो है। इनमें से कोई डिट्रॉट लैंग्वेज का ले लेना मेरिट। बातें हम अपने मुख्य सब्जेक्ट पे, आपका जो रेस्पोंडेंस का मैंने बता दिया, कॉन्ट्रैक्ट का बता दिया, अब नेक्स्ट आपका जो है फैमिली लॉ है। तो फैमिली लॉ में सबसे बेस्ट बुक है पारस दीवान, नो डाउट, अफोर्डेबल प्राइस में है। इसके अलावा अगर बेहतरीन और बुक इससे बेहतरीन चाहते हो तो मुल्ला की फैमिली लॉ ले सकते हो, वो भी बहुत बेहतरीन बुक है। और राकेश कुमार सिंह, डॉक्टर राकेश कुमार सिंह की बुक ले सकते हो, जो अपने लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। अगर आप थ्री पढ़ रहे हो फैमिली लॉ में, आपको जो है राकेश सर आपको पढ़ाने को मिलेंगे, तो उनकी बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी बुक उन्होंने भी लिखी हुई है और हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है उनके। अलावा जो है आप जो है आरके अग्रवाल और बसंती लाल बाघेल की बुक ले सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, हिंदी में इनकी बुक आती है फैमिली लॉ की, तो आप ये ले सकते हो। लेकिन पारस दीवान वन ऑफ द बेस्ट है, अफोर्डेबल प्राइस में बेस्ट जो है कंटेंट, और लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है, तो आपको प्रीफर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे आपका जो सब्जेक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, तो ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है इंटरनेशनल लॉ में अपना करियर आगे फर्दर बनाना चाहते हो तो आपको एक बेहतरीन और थॉरली पढ़ना पड़ेगा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो इसके लिए भी बेस्ट बुक आपको जो है सबसे बढ़िया कौन सा रहेगा, केसी जोशी आप ले सकते हो, एसके कपूर का अंतर्राष्ट्रीय विधि ले सकते हो, हिंदी में आती है और इंग्लिश दोनों में आती है। इंग्लिश में बेहतरीन अगर पढ़ना चाहते हो, केवल इंग्लिश में ही बुक लेना चाहते हो, तो मैकलम इंसान सबसे बेस्ट बुक इंटरनेशनल लॉ की मानी जाती है, वो जरूर प्रीफर करना अगर इंग्लिश में ले रहे हो तो। हिंदी में तो एसके कपूर की, कुमार सिंह की बुक ले सकते हो इंटरनेशनल लॉ में। लेकिन देखो अगर आप जो है इंग्लिश में प्रिफर कर रहे हो तो मैकलम साहब फर्स्ट प्रेफरेंसशिप रखना, सेकेंड प्रेस के कपूर रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ये, तो जो भी आप कंफर्टेबल लैंग्वेज है, क्योंकि इंग्लिश भी बहुत आसान लैंग्वेज है ये, आप वो ले सकते हो। थर्ड आपका जो है राकेश सिंह पे लेना, फोर्थ आपका जो है केसी जोशी है एबीसी पब्लिकेशन की, इनमें से कोई बुक ले सकते हो, या सर में से कोई नहीं मिल रहा है, वीके बंसल की बुक मिल रही है तो वो भी आप ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जो है इंग्लिश में अगर लेने जा रहे हो तो मैकलम साहब एक बार जो है देखना, बुक का कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने जो पढ़ा था वो मैकलम साहब है मेरे पास। अगर आपको जो है ये बुक नहीं मिल रहा है, अगर आप सस्ते में कोई बुक ले रहे हो इन सब में से और मैकलम साहब को पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको वहाँ भेज दूंगा, जो बुक मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको वहाँ भेज दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। साइडर मंत्रा आई मंत्रा जो है मेन चैनल है मेरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप देख सकते हो, वहाँ से आप जो है मुझसे ज्वाइन कर लेना। और ये राइटर का कंटेंट भी मैंने जो है एक पीडीएफ में बनाया हुआ है, तो वहाँ पर मैं आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आप देख मैं बुक लिस्ट जो है आपके फर्स्ट सेमेस्टर का उसके राइटर के साथ में, या फिर अपना सिलेबस अगर डाउनलोड करोगे जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे भी देखोगे, तो वहाँ पे भी राइटर्स के नाम दिए हुए हैं आपके सिलेबस के साथ, तो उसमें से कोई एक आप प्रेफर कर सकते हो, बुक बेस्ट है। मैंने यहाँ पे काफ़ी हल्दुल रहेगा ये जो है आपके बुक परचेजिंग के दौरान जो है आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले लिया। तो अब नेक्स्ट आपके जो है चार सब्जेक्ट का मैंने बता दिया, फिफ्थ सब्जेक्ट आपका लॉ क्राइम है, दैट मीन आईपीसी भारतीय दंड संहिता, तो इसका बेयर एक्ट तो मस्ट कंपलसरी है आपका जो है। उसके अलावा अगर बुक प्रेफर करोगे तो अगर लेक्सिस नेक्सिस की बुक सबसे बेस्ट आती है, के वी शर्मा की बुक है, अगर वो नहीं ले रहे हो आप इंग्लिश में तो फिर जो है एस ए पिल्ले ही ले सकते हो, पी एस ए पिल्ले वन ऑफ द बेस्ट लॉ क्राइम की बुक आती है, आईपीसी के मामले में बहुत बेस्ट बुक है, तो ये आप प्रेफर जरूर करना जो है। अगर देखो आप जो है अगर लॉ क्राइम की बुक लेने जा रहे हो तो पी एस ए पिल्ले ही, या फिर जो है के वी शर्मा, या फिर जो है आप जो है रतनलाल धीरजलाल पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है ये इंग्लिश में। और हिंदी में अगर सूर्य नारायण मिश्रा की हिंदी में आती है वो ले सकते हो आप जो है, इनमें से कोई एक बुक का प्रेफर कर सकते हो, ये सब बेस्ट राइटर है। एन वी परांजपे की बुक आती है भारतीय दंड संहिता, वन ऑफ द बेस्ट राइटर है, तो अगर आप हिंदी में लेने को सोच रहे हो तो सूर्य नारायण मिश्रा सबसे लास्ट में प्रेफर करना, एन वी परांजपे प्रेफर करना, एन वी परांजपे वन ऑफ द बेस्ट है हिंदी में। अगर इंग्लिश में भी उनकी बुक आती है, अगर इंग्लिश में भी मिल रहा है तो इंग्लिश में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बेहतरीन थोड़ा सा कंटेंट पढ़ना चाहते हो तो आप जो है सबसे बेस्ट आपका जो है के वी शर्मा है, लेक्सिस नेक्सिस आपका पी एस ए पिल्ले है, तो इन दोनों में से कोई प्रिफर करना है। नहीं मिल रहा है तब आप एन वी परांजपे और हिंदी के लिए सूर्य नारायण मिश्रा, एन वी परांजपे में से कोई एक आप ले सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये पूरे आपके जो है राइट्स के बारे में बताता है, तो इसको बहुत थॉरली पढ़ना आप जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो इसीलिए इसकी जो है सबसे अच्छी बुक लेना, ये एक तो बहुत ही अच्छी बुक लेना। पहला डी डी बासु तो कंपलसरी लेना आप जो है, दुर्गादास बासु की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एक जरूर लेना। और उसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक ले सकते हो, अगर ई बी सी पब्लिकेशन के ले रहे हो, ई बी सी पब्लिकेशन की वैसे सारी बुकें जो भी हैं वो बहुत कर सकते हो आप जो है, ममता राव की बुक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रेफर कर सकते हो, या फिर जो है अगर ये नहीं ले रहे हो ममता
राव की जो है, तो फिर जो है बी एन शुक्ला की बुक प्रेफर कर सकते हो, बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बुक वो भी बहुत अच्छा है। और इंग्लिश में ही अगर ढूंढ रहे हो तो फिर एम पी जैन वन ऑफ द बेस्ट है, एलेक्सिस एक्सिस की बुक बहुत बेस्ट है। इसका मैंने पीडीएफ मेरे पास है एम पी जैन का, तो अगर आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन करोगे मैं वहाँ अगर जरूरत होगी तो आप वहाँ से ज्वाइन करके मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको भेज दूँगा। तो ये आपको मैंने बुक का डिटेल बता दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हिंदी में भी जो है अवेलेबल है, ये जाके आप ले सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का रतनलाल धीरेलाल की बुक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ये मैंने बुक बता दी है आपको जो है, तो आप इनमें से कोई एक प्रेफर कर सकते हो। लेकिन डी डी बासु मस्ट कंपल्सरी जो है आप जरूर लेना इसको जो है, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको जो। अगर बुक नहीं ले रहे हो तो सबसे पहले डी डी बासु ले लेना, और कोई बुक बाद में भले आपको ज़रूरत महसूस होगी तब ले लेना, लेकिन जो है डी डी बासु मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लास्ट जो आपका सॉफ्ट स्किल है एन सी सी है, उनमें से कोई एक चूज करना रहेगा, इस वजह यूनिवर्सिटी सिलेबस है ये, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप चूज कर सकते हो। और दूसरा ये कहना था आपसे कि देखो आप लॉ पढ़ने आए हो तो मोस्ट ऑफ द जो भी अच्छी बुकें हैं हिंदी मीडियम वालों, जो अच्छी बुकें हैं वो मोस्टली जो है इंग्लिश में ही है या इंग्लिश राइटर ही है उसके, तो प्रीफर ये करो कि अपना जो है इंग्लिश इंप्रूवमेंट करो। यार 3-4 महीने का कोर्स भी आता है, कोर्स भी कर सकते हो, या फिर जो है नहीं हो रहा है तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यार रेगुलर पढ़ोगे तो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। इसीलिए मैंने कह रहा हूँ कि बेयर एक जो है डिग्लॉट लैंग्वेज में ही लेना, द्विभाषी जो आता है, एक तरफ हिंदी रहेगा एक तरफ इंग्लिश रहेगा, तो काफ़ी अंडरस्टैंड करेगा आपको समझने में भी, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। जब क्लास आप रेगुलर करोगे तो कुछ जो है क्लासेज जो है इंग्लिश में ही रहेंगी या कुछ कुछ हिंदी में भी रहेंगी, लेकिन पूरी तरह से जो है इंग्लिश में प्रीफर करोगे तो काफ़ी हेल्प है। क्योंकि जो है मान लो सुप्रीम कोर्ट केसेज या हाई कोर्ट के केसेज लैंग्वेज वहाँ की इंग्लिश है, तो उन सब केसेज को पढ़ने में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये, आगे फर्दर स्टडी में भी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ये। तो ये आप जो है जरूर ऐसे प्रेफर करना। आपको सारा बुक लिस्ट का मैंने बता दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप जो मैंने इसका पीडीएफ जो बनाया है बुक लिस्ट का, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, वो आप वहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बीएलएलबी के जो है सिलेबस डिटेल और उनके बुक्स के बारे में बात करेंगे। वो भी वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, और शेयर भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप कोई डाउट या प्रॉब्लम हो इसके रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।